सिलोसिया अर्जेंटिया या सिल्वर कॉक्स कॉम। नमस्कार, मैं डॉक्टर लाल रत्नाकर सिंह आज आपको जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ, यह पौधा हम बड़े चाव से अपने गार्डन में लगाते हैं क्योंकि इस प्लांट की कई प्रजातियाँ बहुत सुंदर फूल पैदा करती हैं। यह हमारे परिवेश में हमारे आसपास होता है, लेकिन हम चूंकि इसको पहचानते नहीं हैं, इसके गुणों के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए हम इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस पौधे का नाम है सिलोसिया अर्जेंटिया, जिसे झारखंड में सिलियरी साग या सिरगिटी साग के नाम से भी जाना जाता है। तो सिलोसिया अर्जेंटिया के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह पौधा देखने में कैसा होता है, इसे हम कैसे पहचानेंगे, यह कहां कहां पाया जाता है, इसके पौष्टिक गुण क्या क्या हैं, इसके औषधीय गुण क्या क्या हैं और इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो इस पौधे का बोटेनिकल नाम है सिलोसिया अर्जेंटिया, जो अमरंथेसी फैमिली का सदस्य है। इंग्लिश में इसे व्हाइट कॉक्स कॉम, सिल्वर कॉक्स कॉम, फ्लेमिंजो फेदर्स के रूप में जाना जाता है। हिंदी में सिलमिली, गरखा, सिल्वरी, संस्कृत में मयूर शिखा, रुद्र जटा, राजस्थानी में गरखा या इमरती, मराठी में कुर्दू या कुर्दा, कन्नड़ में अन्ने सोपू, हन्ने सोपू, तमिल में पन्नई किरई, मीजो में जैमजो और झारखंड में इसे सिलियरी या सिरगिट्टी या कहीं कहीं किमरा के नाम से भी जाना जाता है। यह सीधा पौधा होता है, काफी अधिक ब्रांचिंग इसमें होती हैं और यह वार्षिक खरपतवार के रूप में उगने वाला पौधा है, जो 40 से 100 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। और चूंकि यह ऑर्नामेंटल प्लांट में इसकी कई प्रजातियां यूज होती हैं, तो वेस्टर्न ट्रॉपिकल अफ्रीका में इसको कल्टीवेट भी किया जा रहा है और इस और कई जगहों पर इसकी खेती की जा रही है, क्योंकि इसकी पत्तियां एडिबल होती हैं, खाने योग्य होती हैं, पौष्टिक होती हैं और इसके बहुत सारे औषधीय उपयोग भी हैं। अब अगर हम इसके न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स को देखें तो इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फाइबर और एनर्जी काफ़ी मात्रा में होता है। 100 ग्राम पौधे या साग के उपयोग से हमें 44 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके मिनरल कंपोनेंट में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, पोटेशियम प्रमुख हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो इसे पौष्टिक गुण प्रदान करता है। अब इसे हम कैसे पहचानेंगे? तो इस पौधे का स्टेम जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, एंगुलर होता है और इसमें ग्रूव पाए जाते हैं और इसकी ऊंचाई 100 सेंटीमीटर तक हो सकती है। पत्तियां इसकी अल्टरनेट होती हैं, साधारण होती हैं। पत्तियों का आकार लैंसियोलेट या भाले के आकार का होता है, जिसका अपर टिप जो होता है वो नुकीला होता है। यह 12 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती हैं और 4 सेंटीमीटर तक चौड़ी होती हैं। फूल इसके काफ़ी अधिक पसंद किए जाते हैं। यह सफ़ेद, पिंक या कई रंगों के हो सकते हैं और यह सिलिंड्रिकल स्पाइक के रूप में होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। फ्लावर्स इसके जो हैं वो एक मेटालिक शीन लिए हुए होते हैं, चमक होती है इसमें मेटालिक, क्योंकि इसके हर छोटे फ्लावर का जो बेस होता है वो सिल्वरी होता है। इसी से शायद इसका नाम सिलियरी के रूप में भी जाना जाता है। इसके फ्रूट्स मेम्ब्रेनस यूट्रिकल प्रकार के होते हैं। सीड्स इसके 1.3 से 1.5 मिलीमीटर लंबे, 1 से 1.2 मिलीमीटर चौड़े और ग्लॉसी ब्लैक होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। अब यह किस सीजन में मिलता है और इसे कैसे खाते हैं? अगस्त से लेकर जनवरी माह तक यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। इसकी कोमल पत्तियों को और कोमल टहनियों को काटा जाता है कलेक्ट करने के बाद और फिर उसको कुक किया जाता है, साग के रूप में इसको खाते हैं। इसके साथ साथ इसकी पत्तियों और कोमल टहनियों से सूप भी बनाया जाता है, सॉसेज और स्ट्यू के रूप में भी इसे अन्य सब्जियों के साथ उपयोग करते हैं।
विशेष रूप से प्याज, काली मिर्च, टमाटर और मीट या फिश के व्यंजनों में भी डाल करके इसका उपयोग किया जाता है। इसके औषधीय गुण जानने के पहले यह जानना आवश्यक है कि ऐसे कई पौधे हैं जो हमारे परिवेश में स्वयं खरपतवार के रूप में उगते हैं, अति पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं, ले औषधीय गुणों से युक्त होते हैं, लेकिन हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। यदि आपको ऐसे पौधों के बारे में रुचि है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए औषधीय गुणों के बारे में जानते हैं। इसका पूरा पौधा जो है वो स्नेक बाइट में एंटीडोट के रूप में काफी सदियों से प्रयोग किया जाता रहा है। पत्तियों में, भारत में इसकी पत्तियों को पीस करके और उसमें शहद मिला करके जो घाव होते हैं उनके ऊपर लगाने से आराम मिलता है। चाइना में भी इसको जो इन्फेक्टेड घाव होते हैं या स्किन में इरप्शंस होते हैं उनके ऊपर उपयोग किया जाता है। फूल जो इसके होते हैं वो डिसेंट्री और मसल ट्रबल को दूर करते हैं। इथोपिया में इसका व्यापक पैमाने पर उपयोग किया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया में भी इस पौधे का डिसेंट्री में हीमोटाइसिस से मतलब है कि जब बलगम में खून आता है और माहवारी की समस्याओं में इसका उपयोग किया जाता है। जड़ें भी इसकी काफी मेडिसिनल होती हैं और आंत की व्याधियों में गोनोरिया या सुजाक में और एक्जिमा में इसका उपयोग किया जाता है। बीज विशेष रूप से इसके जो होते हैं वो ब्लड प्रेशर को कम करने वाले होते हैं और आँखों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, इसलिए इसके बीजों के पाउडर को कई मेडिसिन्स में यूज किया जाता है। डायरिया में, आँखों में लाल रंग उतर आने पर, ब्लरिंग ऑफ विजन में, कैटरेक्ट में और हाइपरटेंशन में इसके बीज काफ़ी उपयोगी पाए गए हैं। चाइना और जापान में तो आँखों की और लीवर की कई बीमारियों में इसके बीजों के एक्सट्रैक्ट का उपयोग किया जाता है। इथोपिया में और कॉन्गो में इसको डायरिया के लिए व्यापक पैमाने पर यूज किया जाता है और भारतवर्ष में डायबिटीज मेलिटस में भी इसका उपयोग कारगर माना गया है। तो इस प्रकार इसके जो फूल हैं और इसके जो बीज हैं वो कई बीमारियों में यूज होते हैं, जैसे ब्लडी स्टूल में, हिमोरॉयड ब्लीडिंग में, यूटीराइन ब्लीडिंग में, ल्यूकोरिया में, डिसेंट्री में और डायरिया में यह काफ़ी कारगर माने जाते हैं। यह पौधा एंटी पैरासाइट भी है और ट्राइकोमोनस, विशेष रूप से ट्राइकोमोनस एक प्रकार का पैरासाइट होता है जो यौन रोगों में, विशेष रूप से स्त्रियों में, काफ़ी बड़े पैमाने पर फैलता है। तो इस ट्राइकोमोनस को रोकने के लिए यह बहुत ही कारगर है। ऐसा पाया गया है कि इसका 20% एक्सट्रैक्ट अगर प्रयोग किया जाए तो 15 मिनट के अंदर यह ट्राइकोमोनस को खत्म करने की क्षमता रखता है। लेकिन इसके साथ साथ यह आवश्यक है कि इसे कब यूज नहीं करें यह जान लेना। तो इसके बीजों को जिन लोगों को ग्लाउकोमा की बीमारी है उनको नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि यह आंखों की पुतलियों को फैला देता है। तो आज हमने जाना इस पौधे के बारे में जो हमारे परिवेश में मिलता है, अति पौष्टिक, औषधीय और स्वादिष्ट है और यह मुफ्त में उपलब्ध होता है। अगर इसका हम लोग अधिक से अधिक उपयोग करें तो यह न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रदान कर सकता है। इस पौधे को नेचर ने हमको मुफ्त में प्रदान किया है, इसलिए नेचर की इस गिफ्ट को हमको अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। इस चैनल पर ऐसे बहुत से पौधों के बारे में पूर्व में बताया गया है। आप इस स्लाइड में जो लिंक दिए गए हैं उनके माध्यम से इन पौधों को देख सकते हैं। ऐसे कई पौधे हैं जिनके बारे में जानकारी दी गई है, तो आप इनका अधिक से अधिक उपयोग अगर करना चाहें तो इन वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।